हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। अगर ये टॉपिक उन कंज्यूमर्स के लिए या मेरे उन फ्रेंड्स के लिए है जिनको भी अगर बीतल B11 या C11 बोथ में ही सेम प्लेट लगी हुई है, अगर B11 या C11 में कोई भी फॉल्ट अगर आया हुआ है, तो अगर ये वो मेरी ये पूरी वीडियो देखेंगे तो वो घर में बैठे ही मतलब अपना पूरा ये वो जो फॉल्ट है वो रिपेयर कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें पूरे फॉल्ट बताऊंगा, एक 1 से लेकर 10 तक। मतलब इसके अंदर मतलब मेरा 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है लैंडलाइन फ़ोन रिपेयरिंग में, कि इसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये मेरी वीडियो आप लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर सबसे पहले शुरू हम कहाँ से करेंगे कि अगर हम देखेंगे कि जिस तरह फ्रेंड्स, पहला मैं जो फॉल्ट आपको बताने जा रहा हूँ कि इन केस क्या हो रहा है कि आपके जो बेस यूनिट में रिंग तो आ रही है, इसमें जो रिंगर है रिंगर मतलब काम कर रहा है, और जैसे आप उठा रहे हैं और इधर ये जो रिंग का स्विच लगा हुआ है, रिंग फ्लक्चुएट हो रही है, इधर इंडिकेटर ऑन हो रहा है, लेकिन आपके जो हैंडसेट में डायल टोन नहीं आ रही है, उस केस में आपको कहाँ से शुरू करना है। उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपकी रिसीवर लीड लगी हुई है इसको चेंज करनी है। इसका चेंज करने का प्रोसेस क्या है, इधर क्लिप लगा होता है, अगर आप इसको खींचेंगे लीड को तो जितनी मर्जी आप जोर से इस लीड को खींचेंगे तो ये लीड नहीं निकलेगी। इस केस में क्या करना है, आपको इसका जैक है, इस जैक को इस नीचे की साइड प्रेस करके आप खींचेंगे तो ये निकल जाए लग जाएगी। अगर लगानी है तो उसको क्या करना है, इस तरह मैं दोबारा से बता रहा हूँ, जैक को आप नीचे की तरफ करिए और लीड निकल जाएगी। सेम प्रोसेस आपको नीचे भी करना है। आप सबसे पहले क्या करना है, अगर बेस स्टेशन में रिंग आ रही है तो सबसे पहले आप ये रिसीवर लीड चेंज करके देख लीजिए। ये 30 से 40 रुपीज में इजीली अवेलेबल हो जाती है मार्केट में, ये दूसरी लीड से आप चेंज करके देख लीजिए। ये तो आ गया नंबर 1 फॉल्ट। आपने आप क्या करते हैं कि आपने ये रिसीवर लीड नहीं लगा ली, फिर भी क्या है कि बेस स्टेशन में रिंग आ रही है और इसमें डायल टोन नहीं आ रही है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने इसका हैंडसेट को खोलना है। आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसका बीच में एक पेच लगा होता है, आप इस पेच को खोल लीजिए स्क्रू ड्राइवर की मदद से। उसके बाद भी ये नहीं खुलेगा। उसका नहीं खुलने का रीजन क्या है कि इसका ऊपर लॉक सिस्टम है। आप स्क्रू ड्राइवर लीजिए और इसके ऊपर आप फंसाएंगे तो आराम से इसका जो हैंडसेट है वो खुल जाएगा। ऊपर की तरफ आपने प्रेस करना है, अगर आप नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो इधर ये जो 2 लॉक लगे हुए हैं इनकी वजह से ही मतलब ये इंटैक्ट में है तो ये लॉक टूट जाएंगे। इस केस में आपने पहले तो लीड चेंज करके देख ली, लेकिन बेस स्टेशन में रिंग भी आ रही है। उस केस में क्या फॉल्ट है, इसका जो स्पीकर है स्पीकर डिफेक्टिव है। ये स्पीकर आप आराम से चेंज कर सकते हैं, इसको आप ऐसे निकालेंगे तो ये स्पीकर निकल आएगा। तो आपको ये स्पीकर, ये भी स्पीकर 30 से 40 रुपीज में इजीली मार्केट में अवेलेबल है। आप किसी रिपेयरिंग वाला बाइक का अगर कोई कर रहा है तो बोलो सोल्डिंग आयरन की मदद से मतलब टांके लगा के तो आराम से इसको रिपेयर कर लेगा। अगर कोई घर में रिपेयर कर रहा है उसको क्या करना है, घर में अगर कोई रिपेयर कर रहा है तो उसको क्या करना है कि मार्केट में जाए, स्पीकर वाले को कहे कि इधर 2 तारें लगा के दे दो हमको, तो वो तारें लगा के तो इधर से जो 2 तारें आप इधर से काट लीजिए और तारें लगवा के नए स्पीकर को ले आइए, तो आपस में इस तरह बाइंड करके तो दोबारा से स्पीकर आप इंटैक्ट में ले आइए। इस तरह आप प्रेस कीजिए तो इसका स्पीकर जाएगा, डायल टोन इसमें आ जाएगी। अब क्या एक में, अब मैं सेकंड फॉल्ट की तरफ जाता हूँ। आपने लीड भी चेंज करके देख ली, स्पीकर भी चेंज करके देख लिया, लेकिन डायल टोन तो है, रिंग भी है, सब कुछ है, लेकिन ये क्या है कि हमें स्पीकर में तो आवाज़ आ रही है लेकिन जो अदर पार्टी है, जो मैं दूसरा फॉल्ट बताने के लिए जा रहा हूँ, अदर पार्टी आपकी मतलब आवाज़ नहीं सुन पा रही है, उस केस में जो फॉल्ट है वो इस आप खोलने का तो प्रोसेस सेम ही है। इधर एक माइक लगा होता है, ये माइक है, इसका नीचे माइक लगा हुआ है इजीली। तो उस केस में क्या है कि
अगर दूसरी पार्टी आपने लीड उस केस में अगर आवाज जा नहीं रही है उस केस में भी आपको क्या करना है जी, आप सेम ही लीड चेंज करके देख लीजिए। अगर लीड चेंज करके अगर आपका फॉल्ट नहीं निकलता है तो फिर भी आवाज नहीं जाती है, इधर डायटोन आ रही है, उस केस में जो फॉल्ट है वो माइक का है। आप इजीली किसी रिपेयरिंग वाली दुकान में चले जाइए तो उसको कहिए कि जो माइक होता है मोबाइल का माइक किस तरह फिट करेंगे आप, मैं आपको वो बताता हूँ। इस केस में क्या करना है आपको कि जहाँ तो आप ये माइक निकाल लीजिए इस तरह स्क्रू ड्राइवर की मदद से, तो अगर तो मेरा कोई रिपेयरिंग वाला फ्रेंड देख रहा है, अगर वो सोल्डरिंग आयरन मतलब आप यूज़ कर सकते हो तो सोल्डरिंग आयरन की मदद से आप ये जो टू वायर्स लगी हुई हैं टू वायर्स आप इधर से निकाल लीजिए। अगर कोई रिपेयरिंग वाला फ्रेंड नहीं, अगर कोई घर में रिपेयर कर रहा है तो वो खुद ही इसको मतलब दो तारों को ब्रेक कर लो माइक से। तो अगर तो मेरा कोई रिपेयरिंग वाला फ्रेंड देख रहा है तो उसको पता है कि ये 10 से 20 रुपए की माइक मार्केट से मिलती है, तो सेम ही प्रोसेस है इसका। तो इधर से ऐसे आप सोल्डिंग कर लीजिए। अगर कोई घर में रिपेयरिंग कर रहा है तो उसको क्या करना है, अगर आवाज़ नहीं जा रही है माइक्रोफोन में से तो उसको ये दो तारें तो ब्रेक कर लेनी है यहाँ से। तो उसको सिंपली क्या करना है, मोबाइल वाली शॉप में जाना है रिपेयरिंग वाली से, उसको कहना है मोबाइल का माइक दे दीजिए, ये 10 से 20 रुपीज़ का वो दे देगा। उसमें दो तारें लगी होती हैं ऑलरेडी, ये इस तरह मोबाइल का माइक है। तो क्या करना है इसको कि रेड के साथ रेड कनेक्ट कर दे। सोल्डर आयरन की भी ज़रूरत नहीं है इस केस में। ब्लैक के साथ ब्लैक नट कर ले। क्योंकि ये बहुत ही माइक है जो सेम ही काम करती है। उसके बाद क्या करें, इधर जिस तरह जैक निकाला था जैक लगा दीजिए, और बाकी ये सिर्फ थोड़ा इसका एडजस्टमेंट आपको जो वाला माइक करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट कर कीजिए आप इस माइक को, क्योंकि आवाज़ तो यहीं पे जानी है, क्योंकि जो होल है वो माइक का यहीं पे नीचे वाली साइड ही है। सिर्फ इस माइक को जहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए, सिर्फ ध्यान ये रखना है इसकी जो आपस में जो वायरिंग है बहुत टच नहीं हो रही है, ऊपर से कॉटन का पीस देके इसको आप ब्लॉक कर दीजिए इस तरह, और इसको आप बंद कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो माइक की आवाज़ नहीं जा रही थी, इसका जो फॉल्ट था ये भी फॉल्ट भी रिमूव हो गया। उसके बाद ये जो फॉल्ट हैं कि मतलब अगर रिंग भी नहीं आ रही है, हेडफोन टोटली डेड है या एंगेज टोन है, तो उसका भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि लंबी वीडियो बनानी मेरे लिए मुश्किल है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी आपको लिंक दे दूंगा। अगर डायल टोन नहीं आ रही है B11 C11 में या एंगेज टोन आ रही है तो आप वो वाली मेरी वीडियो देख लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको हो भी कोई फॉल्ट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तो मैं कमेंट बॉक्स में वो आपको बता दूंगा कि इसको आपको क्या सोल्यूशन करनी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।